अस्सलामुअलैकुम, लाइव फ्रॉम मदीना। आज डेट है 20 अगस्त 2023। अल्हम्दुलिल्लाह से हम मदीना में हैं और हम जा रहे हैं आज मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों पे। आपको भी साथ साथ ज़ियारतें कराएंगे। कोशिश करूँगी कि सारी ज़ियारतों की वीडियो बना लूँ, या तो उसको एक ही वीडियो में अपलोड कर दूँगी या उसके 2 या 3 पार्ट्स में कर दूँगी। तो चलें चलते हैं, ज़ियारतें करते हैं और आपको भी साथ साथ ज़ियारतें करवाते हैं। अगर आप मदीना मुनव्वरा में बेस्ट ज़ियारतें करना चाहते हैं तो काइंडली इस नंबर पर लाजमी राब्ता कर लीजिएगा। गाड़ी आ गई है मस्जिद बिलाल, ये गाड़ी। चलें चलते हैं, ज़ियारत स्टार्ट करते हैं। चलें चलते हैं गाड़ी में बैठ के ज़ियारत की तरफ। ये है बेरे गर्स, ये वो कुआं, इसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर तशरीफ फरमाए थे। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि मैंने रात ख्वाब में देखा है, मेरे सुबह एक ऐसे कुएं पर हुई है जो जन्नत का कुआं है, जो जन्नत तक हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवेरे था आया हन, जैसे सवेरे थी था आया हन ख्वाब देखने के बाद, इधर पानी चेक किया है, पानी कड़वा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब मुबारक पानी सटा है और कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद गिफ्ट की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद कुछ खाती है और कुछ इनर्ज सटियाँ ने, माशाल्लाह ये पानी का जायका वो मीठा दिख गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे वफात के बाद जरा मैं गुस्सा लिता मैंने और यहीं पढ़ना लिता मैंने, तो जो आप सल्लम गुस्सा लिता गया और यहीं पढ़ना लिता गया मेरे घर से पढ़ना। सुबहान अल्लाह, मैं यहाँ से भी आपको ज़ियारत कराती हूँ सारी। ये मस्जिद है, भाई ने हमें इसके बारे में गाइड किया है। मैं आपको यहाँ से मस्जिद के अंदर दिखाती हूँ, अगर नज़र आता है तो। ये अंदर से मस्जिद, सुबहान अल्लाह। एक मिनट, हाँ जी, ये कुआं, यहाँ से ये वो कुआं जो मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कुएं का पानी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये लाइंस लगी हुई हैं पानी लेने के लिए। ये गर्ल्स साइड और जेंट्स साइड। इस कुएं का पानी शिफा है, अगर आप लोग इधर आएँ तो लाजमी लाजमी इसका पानी पीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको शिफाए कामला आजला अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इन भाई को जजा दे। जी ये बैरेगास का पानी है, ये पीते हैं। आयशा बैरेगास कुएं का पानी पीते हुए, मोहम्मद अहमद, शुक्रन। ये देखें ये खजूर, गए थे बच्चों को लग गई थी भूख, अहमद और ये आयशा सोदर में आके बिन को खाने थे समोसे,
तो ये हम खा रहे हैं समोसे। यहाँ से आपको व्यू चेक कराते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जिस जगह की ज़ियारत के लिए मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ, इस जगह की ज़ियारत बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप लोग इस जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर मेंशन है आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये भाई आपको यहाँ की ज़ियारत भी करा देंगे। अच्छा, उम्र पे बच्चों के जाने के साथ का एक्सपीरियंस भी एक अलग और मज़े का एक्सपीरियंस होता है। हम लोगों ने बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया था। बच्चे अपनी मस्तियों से, अपनी हरकतों से खूब अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लोग भी बच्चों के साथ जाते हैं तो लाजमी आप बच्चों की कंपनी इंजॉय करेंगे। आप बच्चों को देख के, अगर आपका मूड सैड भी है तो उनको देख के, उनकी हरकतें देख के आपका मूड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। हमने भी बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया था। अच्छा, इस जगह की ज़ियारत बाकी ट्रैवल एजेंसी वाले या जिनके साथ आपने ज़ियारत बुक की होती है वो लोग नहीं करते। बस जो ख़ास ख़ास लोग इस जगह को जानते हैं वो लोग आप लोगों की इस जगह की ज़ियारत करा सकते हैं। इस जगह, ये कौन सी जगह है ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी ज़ियारत के लिए क्यों आए थे। ये नीचे नंबर भी मेंशन है राशिद भाई का। ये बेस्ट तफसीली ज़ियारत कराते हैं, आपको एक एक चीज़ गाइड करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप मदीने की ज़ियारत करना चाहते हैं तो आप इन भाई के साथ ज़ियारत करें, इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करने का मज़ा आएगा। आप पहले इस जगह की ज़ियारत कर लें, इसकी हिस्ट्री में आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मैं आपको यहीं से बता देती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ऊँटनी कसवा के कदम मुबारक के निशानात हैं। मज़ीद इसकी हिस्ट्री आगे जाके भी मैं आपको बताती हूँ कि निशानात पड़े कैसे हैं, ये अब तक महफूज कैसे हैं। ये बैक पाँव और फ्रंट पाँव किधर है, ज़ियारत कर लें आप सारे। ये पत्थर यहाँ क्यों आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए ये जो देख रहे हैं ये आप सल्लम की जो ऊँटनी थी कसम है उसके निशान है। ये देखें बिल्कुल साफ क्लियर निशान है। और ये एक पाँव ये है, एक ये है, ये अगला पाँव और ये इसका पिछला पाँव। सुभान अल्लाह। जो आपने ज़ियारत की ना, ये आप सल्लम की जो ऊँटनी थी उसके पाँव के निशान है। यहाँ पर एक यहूदी था, उसने दावत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए। जब और ऊँटनी से नीचे उतरे तो वही जिब्रील अमीन वही लेके आए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इसने आपके लिए गोश्त हराम बनाया होगा। ऊँटनी ने तो ये अल्फाज सुन लिया, ऊँटनी ने बोल तो नहीं सकती थी, बेज़बान थी जानवर का। उसने गुस्सा किया, गुस्सा इसलिए किया कि आप दोबारा सवार हो जाएं, हम चलें। गुस्से से पवन मारा पत्थर के ऊपर, ये निशान पड़ गया। सुभान। फिर आपने दोबारा यहाँ दावत नहीं कबूल की, चले गए थे वापस। सुभान। देखिए आज भी वो मौजूद है। सुभान। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैं बाकी ज़ियारात नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि इस तरह से एक ही वीडियो में अपलोड करने से वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की एक नई जगह की ज़ियारत काफ़ी पसंद आई होगी। मिलूँगी मैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।